क्या ग्राफिक्स है भाई साहब गेम के, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कुछ अलग ही गेम है भाई। ओ भाई कार ये रही भाई, 1 मिनट इसके इसके टेक्सचर देखो, इसके ग्राफिक्स देखो, कौन से एंगल से लग रहा है कि ये गेम है भाई। चलो यहाँ से भागते देखते हैं। ओ भाई साहब ऑल राइट, तो ये हमसे पूछ रहा है हम कौन से लैंग्वेज में खेलेंगे। अरे भाई साहब हम तो इंग्लिश में खेलेंगे। अरे लेकिन मम्मा भाई तुमको इंग्लिश आती है क्या? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमको तो बहुत हार्ड इंग्लिश आती है बे। अच्छा तो फिर दो चार बोल के सुना दो बस। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं भाई, कभी भी मतलब पूछ लोगे बोल देंगे हम क्या। अरे तुम डर गए ना? अरे नहीं, कौन से कैसे डर गए, अभी बताते हैं सुन लो। अच्छा बताओ फिर। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर इट गाइस, लाइक बटन। अरे बस बस पंबा भाई तुम तो बहुत हार्ड इंग्लिश बोलने लगे भाई। हाँ पहले ही बोला था ना बहुत हार्ड इंग्लिश आती है, पंगा मत दिया कर हमसे। ऑलराइट चलो बहुत हो गई फालतू के टाइम पास, अभी क्या करते हैं ना इस गेम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये ग्रैनी का एक रीमेक है। बेसिकली जो हमारा पुराना ग्रैनी था ना तो उसी का एक बहुत ही ओपी वर्जन आ चुका है। तो चलो पीछे देख सकते हो तो ग्रैनी को दौड़े पड़ रहे हैं, लेकिन हम गेम में देखेंगे कि एक्चुअल में क्या कुछ है। चलो प्ले बटन पे मैंने प्रेस कर दिया और उसको प्रैक्टिस पे खेलेंगे, क्योंकि आज पूरा गेम ना घूम के देखेंगे क्या कुछ बनाया है इन लोगों ने नया। और तुम लोग इंजॉय करो, स्केप कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सीट क्या चीज़ दे के रखा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी गेम का एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, तो स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर हिंट दिया है, ओके हिंट पे कह रहे हैं कि क्राउच करने चलने को, यहाँ यानी कि आवाज़ होता है हमारे चलने पर, तो हमें क्राउच करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये शायद से हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जंगल के बीचों बीच। भाई साहब ये व्लॉगर है क्या भाई, ये अपने चैनल पे व्लॉग डालेगा शायद से, उसके लिए वीडियो बना रहा है ठीक है ना। तो ओके जंगल के बीचों बीच एक्चुअल ग्रैनी में जो होता है, ओके इधर उधर देखते भाई, चारों तरफ एकदम बर्फ़ गिर रही है और सामने एक रोशनी है जो कि घर लग रहा है मेरे को, और ये डेफिनेटली बात है भाई ग्रैनी की घर होगी। ओके हमारा बंदा रुक गया, लेफ्ट माउस बटन से जूम करने को बोल रहा है। ओके लेट्स गो। अच्छा भाई साहब ये तो अलग ही ब्लॉक कर रहा है भाई अपने। ओके तो ये पूछ रहा है कि जंगल के बीचों बीच एक घर क्या कर रहा है, इसको पता भी नहीं है भाई। ओ भाई साहब ये ग्रैनी है क्या हमारा। भाई साहब रीमेक में इसको कितना बदल दिया, कितना क्रीपी सा वाइब्स दिया रहा है ना इसको, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है भाई ये। ओके ये बंदा उठ चुका है जैसे कि नॉर्मल ग्रैनी में होता है भाई, ये वैसे उठ रहा है लेकिन आसपास का घर का चीज, ओ भाई साहब कितना ज्यादा बदल चुका है भाई। भाई साहब के माथे पे दर्द है। भाई साहब ऊपर देखो तुम, क्या ग्राफिक्स है भाई साहब गेम के, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कुछ अलग ही गेम है भाई। और यहाँ पे पंखा वगैरह चल रहा है, ग्रैनी ने हमारे वो उसका पूरा इंतजाम करके रखा है, हमें कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर एक विंडो है भाई साहब, एक बार तुम लोग ग्राफिक्स देख लो यार, मतलब ऐसा पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये ग्रैनी गेम है भाई, कहाँ पे वो ग्रैनी थी। और ये वाला गेम देखो ग्रैनी रीमेक, भाई साहब यहाँ पे पेंटिंग देखो कतई रियलिस्टिक लग रही है भाई। यहाँ पर एक वार्डरोब है, आई मीन कबर्ड है, इसके अंदर अपन छुप सकते हैं। भाई साहब क्या ये भाई ग्राफिक्स देख लो एक बार, नीचे ये कारपेट देख लो भयंकर भाई साहब, यहाँ पे नीचे चीजें देखो हर एक चीज में भयंकर डिटेलिंग, और बैठ के नीचे छुप सकते हैं क्या। ओ भाई साहब बेड के नीचे छुपने का भी एक बहुत ही बढ़िया एंड तगड़ा एनिमेशन बनाया है लोगों ने, एंड इधर उधर देख भी सकते हो, और बाहर निकलने का भी एक बहुत ही ओपी एनिमेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ओके यहाँ पर ये क्या है, अच्छा यहाँ पर अपन ई प्रेस करके हाइड कर सकते हैं एकदम बेसिकली नॉर्मली। भाई साहब एक बार ग्राफिक्स देख लो तुम कतई भयंकर। ओ भाई साहब यहाँ पर पूरा ग्रैनी के घर को ना इन लोगों ने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपग्रेड करा है, और यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। यहाँ पर बेसिन देखो भाई, ऐसा लग रहा है ना कि असली बेसिन को उठा के यहाँ पे लगा दिया भाई। यहाँ पे संडास, नहीं, संडास नहीं, देखना चीजी क्या देख लिया। और यहाँ पर बाथ टब, भाई साहब क्या मतलब भाई दिमाग घूम गया ऐसे देख के, क्या बनाया इन लोगों ने। मेरे को ये पता नहीं वैसे कि अभी ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल, मैं तो ये पता नहीं सकता, लेकिन 1 मिनट भाई साहब तुम लोग एक एक चीज को देखो यार, इतनी ज्यादा डिटेलिंग कौन देता है भाई, भयंकर एकदम रियल, ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुद वहां पे हूँ ठीक है। सोचो इसका अगर VR आ गया, भाई साहब यहाँ पर बिस्तर पे खून वून पड़ा हुआ है एकदम से। और मेरे को ये गेम देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है हम जो ग्रैनी खेलते थे वो तो भाई बच्चों का गेम है, हालांकि वो नहीं है, उसने भी काफी अच्छे व्यू दिए मेरे को। और यहाँ पर घड़ी है भाई साहब, एक एक चीज भयंकर रियलिस्टिक बना कर रखी है भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ ये गेम मेरे तरफ से 5 out of 5, सच में ग्राफिक्स की तरफ से पूरा फुल मार्क्स देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर एक रास्ता था जो कि यहाँ पे नहीं है, ओके आई नीड टू अनस्क्रू ऑल द स्क्रूज। ओके तो यहाँ पे हमें स्क्रू ड्राइवर लग गया, ये चीज़ क्या है, कुछ नया सा लग रहा है मेरे को। ओके ये एंटीना है कुछ तो, ओके तो ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने गेम को अपग्रेड करने के साथ साथ गेम प्ले का जो
चीज़ें या फिर मिशन हमारा टास्क रहता है उसको भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है इन लोगों ने। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ड्रायर पे तो कुछ मिलने नहीं वाला हो। कि नीचे कारपेट बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। और यहाँ पे रेडियो और आसपास कैंग गिरने की आवाज़ से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन चिंता करने की कोई बात है नहीं क्योंकि ग्रैनी अभी घर पे है नहीं। क्योंकि बस देखो ना यार, आज हम पहले दिन एक्सप्लोर करने आए, और अगर इस वीडियो ज़्यादा नहीं, अगर 10 लाइक्स आ गया ना, तो बहुत जल्दी इसका पार्ट टू आएगा जिसपे अपन ग्रैनी के साथ स्केप करेंगे। आई मीन ग्रैनी घर पे रहेगी और हम कुछ तो डोर या फिर कार स्केप करेंगे, और यहाँ पर हम जंप भी कर सकते हैं। भाई साहब पेंटिंग वगैरह देखो, खतरनाक रियलिस्टिक लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दरवाज़ा है, इसके पास एक पिन कोड का रास्ता है, और यहाँ पे घंटा। भाई साहब मतलब मैं बता नहीं सकता, तुम लोग बताओगे इस गेम पे ग्राफिक्स को तुम लोग कितना मार्क्स दोगे। मैं मेरे तरफ से फुल मार्क्स है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। भाई साहब नीचे खून देखो, कते रियलिस्टिक लग रहा है भाई यहाँ पे। और ये जगह भी बहुत सेम ही है। ओके यहाँ से इसे मैंने इसको पुश कर दिया। अभी भाई साहब यहाँ पे एक रास्ता था ना, इसको यहाँ से सीढ़ी बना के रखा है लोगों ने, लेकिन अभी इधर नहीं जाएंगे। अभी ना अपन लोग कार ढूंढने के, और हमारे हाथ पे है गैसोलीन का वो, मतलब देखो हर एक चीज रियलिस्टिक है और हमारा पूरा ग्रैनी गेम ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कार का वो बेसमेंट का रास्ता नहीं है, तो शायद से कार ऊपर कहीं पे तो होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो ऊपर चल के भी पास के कमरे को भी एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें, ठीक है। भाई साहब इस जगह को देखो, तो मान लो तुम्हें अगर जंगल के बीचों बीच एक ऐसे घर में छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी हालत कैसी होगी भाई साहब। ओके यहाँ पर बंदे को यहाँ पर कुछ नहीं मिला, ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ पे कुछ तो मिलेगा नहीं ना, ओपन कौन रखता है भाई। ओके पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी डरावने क्रीपी, और ये वही स्पाइडर है जो कि ग्रैनी के पास रहता है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी है। और भाई साहब 1 मिनट, ये क्या देख लिया भाई, तुम ऐसे करोगे तो गैसोलीन गिरेगा भाई। रियलिस्टिक फिजिक्स लगा के रखा है इन लोगों ने, भयंकर गेम है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पर 2 चेयर पड़े हुए हैं, लेकिन सामने टीवी नहीं है, तो ग्रैनी क्या देख रही थी भाई, ऐसे ही ऐसे दीवार को घूरती रहती है क्या, ये पागल वागल है भाई। ओके भाई 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 बहुत ही ओपी भाई, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है भाई इस गेम के। ओ भाई कार ये रही भाई, 1 मिनट, इसके इसके टेक्सचर देखो, इसका ग्राफिक्स देखो, कौन से एंगल से लग रहा है कि ये गेम है भाई। भाई खतरनाक, तुम देखो ना एक बार कार को, कार की तरफ देखो भाई, इतना रियलिस्टिक भयंकर है भाई साहब, लिटरली मैं बता भी नहीं सकता कैसा फील कर रहा हूँ मैं अभी। मतलब अलग ही एक्साइटमेंट है भाई मेरी आज। और यहाँ पे ये इंजन का पार्ट है भाई साहब, हर एक चीज़ में कतई डिटेलिंग। यहाँ पे रेडिएटर चाहिए भाई को, ये कुछ नया सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि रियल ग्रैनी में रेडिएटर वगैरह ऐसा कुछ तो होता नहीं था। ओके यहाँ पे बैटरी चाहिए, हाँ बैटरी पहले गेम पे होता था, लेकिन ओके यहाँ पे हमें बैटरी चाहिए एंड एक रेडिएटर टाइप कुछ तो चाहिए। ओके यहाँ पे पेट्रोल नहीं डाल सकते क्या, क्योंकि रियल गेम में तो इधर से ही पेट्रोल डालना पड़ता था। यहाँ पर कुछ तो व्हील लगाने को बोल रहे हैं, 1 मिनट, इस कार में व्हील नहीं है क्या, आई गेस इस कार के ना पहिए नहीं है, मैं इसको इधर फेंकता हूँ। 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पे सुअर मार के रखा है ग्रैनी ने एकदम, ये तो शिकारी ग्रैनी निकली भाई साहब, कतई हर एक चीज में डार्क भाई साहब। तुम एनवायरनमेंट देखो एक बार, गेम का एम्बियंट देखो, बहुत ज्यादा क्रीपी एंड रियल हॉरर गेम की वाइब आ रही है, जो कि ग्रैनी में ना लैग थी इस चीज़ की बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये गेम अभी आ चुकी है इसमें, तो मैं बताने वाला हूँ ये फाड़ने वाली है भाई, सारे गेम्स को बेट करने वाली है। अगर इसके चैप्टर 2 और 3 भी आ गया ना, तो भाई तुम छोड़ ही दो। और ये रहा हमारा गिलोटिन भाई साहब, इसका भी एकदम रियलिस्टिक वर्जन बना के रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे है हमारा कुआ, लेकिन कुएं को बाद में देखेंगे, ये कुछ नया सा लग रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छा कप बोर्ड के, ये कुछ नया है, नया है, लेकिन इसके अंदर से हमें कुछ मिलेगा नहीं ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर मिल गया तो गेम का फायदा क्या भाई साहब। ओके ये कुछ नया कमरा है भाई साहब, ओके ये वाटरमेलन है भाई साहब, वाटरमेलन भी एकदम तगड़ा रियलिस्टिक है। ये शायद से ग्रैनी का कमरा है क्योंकि एकदम छोटा सा है, सो मेरे को ग्रैनी का ही लग रहा है। भाई साहब एक बार फिर से ग्राफिक्स देख लो तुम, मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं तुम लोग को यूट्यूब पे कैसा दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ना वीडियो की क्वालिटी जो वो काफ़ी कम हो जाती है, तो मेरे को पता नहीं कि तुम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सच बता रहा हूँ, तुम लोग अगर खेलना चाहते हो ना तो खेलो भाई साहब, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके तो यहाँ पे हमें एक चाबी मिल चुकी है जो कि सेफ की। ओके सेफ को खोलेंगे एंड सेफ का रास्ता किधर से था, आई गेस यहाँ से। सेफ के अंदर से क्या मिलता है, लेट्स गो। यहाँ पे भी 1 मिनट, ये क्या भाई, ये कुछ मशीन है, वेंडिंग मशीन। भाई साहब ये तो कतई अलग ही लेवल पे ले गए यार इस गेम को। यहाँ पे और एक क्या है ये, अच्छा यहाँ पे और एक गैसोलीन का वो है भाई, लेकिन दो दो की वे पता है मेरे को पता नहीं, शायद एक अगर नहीं मिले तो तुम दूसरे से काम चला सकते हो। और यहाँ पर पेंटिंग तो काफ़ी डार्क है। ओके यहाँ से मेरे हिसाब से किचन होना चाहिए, लेकिन किचन में भी जाएंगे, उससे पहले ड्रायर पे देखते हैं क्या है।
कुछ नहीं भाई, हर एक चीज को हम देखेंगे कहाँ पे क्या मिल जाए, हमको पता नहीं। ओके भाई साहब, किचन में आ चुके हैं, और किचन कतई शाही किचन लग रही है भाई, एकदम भयंकर वाले अमीरों वाली किचन भाई यहाँ पे। हालांकि कुछ है नहीं जो कि मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा, यहाँ पर एक केला है। ओके केले को मार तो इग्नोर, और यहाँ पे माइक्रोवेन के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये तो खुलता ही नहीं है, और यहाँ पे खाली है भाई साहब, खतर। एक मिनट भाई, मेरे मैंने डर गया, मतलब वहां पे दो लाल आंखें चमक रही है भाई इस बंदे के। वैसे बंदा है कौन ये हम तो नहीं ना, वैसे लग तो नहीं रहा मेरे को। ओके भाई साहब, हर एक चीज मैं पता। ओके घंटी बची तो कुछ भी नहीं भाई। ओके लेट्स गो, इसको खोलते सेफ की। अरे भाई साहब सेफ कितना डरावने आवाज के साथ खोला, और अंदर से क्या मिला हमको, कार की बैटरी। ओके तो क्या करते हैं ना, अभी कार के रूम पे जाते एंड वहां पे कार पे बैटरी लगाते, कि थोड़ा सा काम हम ना वो क्या करते करके रखते, ताकि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। कि एक बार तुम अगर प्रेस करोगे तो वैसे नहीं चलेगा, तुमको प्रेस करके रखना पड़ेगा कि तुम चीज को सही से बिठा सको। मतलब एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग देने के लिए इन लोगों ने बहुत ही अच्छी, नहीं मतलब अच्छी गेम है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 out of 5 star दूंगा मैं इसको। ओके आप किधर जानी है मेरे को? ओके एक जगह एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था ना, यहाँ से नीचे से सीढ़ी बना के रखा है भाई, ये कुछ नया सा अलग सा लग रहा है मेरे को। ओके नीचे क्या से भाई, डर गया मैं तो आवाज़ से एकदम भयंकर। ओके ये खाली कमरा है भाई, खाली कमरा ऐसे दिखाओगे तो डर लगेगा ना इंसान को। ओके यहाँ पे छुप सकते हैं, जो कि हमारे ज़रूरत में तो है नहीं अभी, और यहाँ पे इस दरवाजे को खोल नहीं सकते क्योंकि वो अदर साइड से लॉक है। और यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चलते, कुछ नया कमरा कुछ मिलेगा शायद से। अच्छा ये तो वही कमरा है ना जो थोड़ी देर पहले हम जब हमने जहाँ से तरबूज लिया था, तो यहाँ पे घूमने का भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये जगह हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या कुछ मिलता है कहाँ से। लेट्स गो एंड फाइंड आउट गाइस। ओके यहाँ से ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाके ना पहले वो बोल रहा था गाड़ी के, वहाँ पे व्हील ढूंढना है, तो व्हील ढूंढते हैं भाई। चलो गाइस, तुम लोग अगर अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब होगो, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे और ग्रैनी के स्पेशली गेम प्ले वीडियोस आने वाले। इसका पार्ट 1 भी आएगा, इसका चैप्टर 2 जब आएगा ग्रैनी का, जहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों रहेंगे, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 भी करेंगे, जहाँ पे स्लेंडरना भी होती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर टीवी है भाई साहब, टीवी कुछ नया है, टीवी पहले नहीं था, मतलब किसी भी ग्रैनी के चैप्टर पर टीवी नहीं होता भाई। सही है भाई। ओके यहाँ पे आ चुके हैं हम एकदम, इसको लेते एंटीना को, और एंटीना को हम लेके ना टीवी के वहां पर लगाएंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग ही रहा है कि एंटीना जो होता है वह टीवी के ऊपर ही लगता है, और टीवी से ना चल पड़ेगा शायद से, और हमें शायद कुछ मिल सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके इसको होल्ड करके रखते हैं एंड इसको बिठा देते हैं। ऑलराइट अभी टीवी को ऑन करते हैं। ये क्या एक नंबर दिखा रहा है, 1277, ऐसी चीज़ है क्या? मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा, अगर तुम लोग को आ रहा है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर से। अरे यहाँ पर छुप सकते, अभी छुपने का फायदा नहीं है, मैं तो गलती से छुप गया। लेकिन ये जगह ना काफ़ी अलग है भाई, क्योंकि ग्रैनी के ऊपर के छत के ऊपर जो घर है ना वो ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पे काफी ज्यादा इन्होंने अलग ही कराया है। चलो यहाँ से भागते देखते हैं। ओ भाई साहब भयंकर भाई, ये अचानक से आ गया भाई यहाँ पर, ये मतलब जंप स्केयर देने के लिए रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है इतना तो पता चल गया भाई। क्या ही था यार, सही था, मतलब ये डैमेज कर सकता है क्या, मेरे को ये भी जानना है। लेकिन भाई सच में ये चीज़ बढ़िया था भाई, ये किसी को भी डरा दे, सच बता रहा मैं। ओके यहाँ पे ड्रॉयर के अंदर से कुछ ना मिला, लेकिन ये एक मिनट, नीचे कुछ तो पड़ा हुआ है। नीचे क्या है, ये वॉकी टॉकी है क्या? नहीं यार वॉकी टॉकी तो ऐसे नहीं होती। अच्छा, अब समझ में आया मैं, ये शायद से ना रिमोट कंट्रोल है भाई साहब। रिमोट कंट्रोल को भी देखो यार, इन लोगों ने कितना रियलिस्टिक बनाया है, एकदम भयंकर कतई ओपी वाली फील आ रही है इसे पकड़ के। ऐसा लग रहा है तुम हाथ में एक्चुअल में कोई रिमोट वगैरह या फिर ऐसा कुछ पकड़ के रखे हो, उसके लेफ्ट माउस बटन से तुम इसको प्रेस कर सकते हो एंड इसको एक्टिवेट कर सकते हो। वैसे ये नंबर 1277 है क्या यार, मेरे को तो पता नहीं है। चलो नीचे चलते हैं एंड देखते हैं इसका आके काम क्या है। ऑलराइट हम नीचे आ चुके हैं एंड रिमोट कंट्रोल से यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, और भाई साहब जैसे कि मैंने सोचा था ये खुल चुका है। और यहाँ पर ये क्या मिला है, व्हील। अच्छा, अब समझ में आ गया, वो जो गाड़ी पे व्हील का बता रहा था ना, तो ये वही व्हील है जो कि हमें शायद से गाड़ी के नीचे अलग अलग जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेट्स गो। ओके कहाँ पे लगानी है वैसे, यहाँ पे तो नहीं, अबे एक मिनट में यहाँ पे लगा भी कैसे सकता हूँ भाई, बेवकूफ़ जैसी हरकत। गाड़ी के व्हील तो नीचे होते हैं भाई, लेकिन व्हील लगे ना कहाँ है मेरे को तो पता भी नहीं है। ये मैंने कार मैकेनिक थोड़ी करी है भाई, मैंने
यहाँ पे मेरे को ना इसको फेंकते, यहाँ पे घूम के देखता हूँ मैं कहाँ पे लगना है ये। अच्छा शायद से ये जो एम्प्टी जगह दिखा रहा है ना ये, आई गेस मुझे यहाँ पर इसको फिट करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत मूवीज में मैंने यहाँ देखा है जहाँ पे गाड़ी के टायर्स खराब हो जाते हैं वहाँ पे इसी जगह पे ये लोग रिप्लेस करते हैं टायर को। तो आई गेस यहाँ पर ही इसको लगाना है। ओके लेट्स गो, यहाँ पर इसको लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लग तो नहीं रहा, शायद से थोड़ा इधर उधर अगर प्रेस करे तो ये लग जाएगा। ओके हाँ, तो यहाँ पे प्रेस करने से ये टायर लग जाएगा। और भाई साहब हमारा पहला टायर लग चुका है भाई, और अभी भी ऐसे 3 टायर हमें ढूंढने हैं और एक रेडिएटर भी चाहिए, फिर जाके हम स्केप कर सकते हैं। भाई साहब एकदम गाड़ी के अंदर देखो, एकदम जंग वंग पड़ा हुआ है भाई, भयंकर है भाई ये, कतई रियलिस्टिक बता रहा हूँ मैं सच में। इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोको, शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन इतना बढ़िया ग्राफिक्स भाई साहब मैं बता नहीं सकता। यहाँ अच्छा अब समझ में आया, गैसोलीन यहाँ पे डाल लिए। रियल रियल गाड़ी में जो होता है ना, पास में से एक होल होता है, एक छोटा सा छेद होता है, तुम लोग वहां से पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, तो ये वैसा ही है भाई साहब। इसका इसका भी एनिमेशन बनाया है लोगों ने भाई, कतई ओपी भाई। यहाँ से एक थोड़ा सा तो हो गया, 1 मिनट, ये और नहीं दे रहा क्या? 22 लीटर्स पे जाके अटक गया। ओके अब मेरे को समझ में आया, ये पूरा टंकी फुल नहीं कर सकता अभी, क्योंकि और एक जो हमने देखा था ना डीजल का, ये वहां पे उसको उसको ले आके इसको थोड़ा सा जो बाकी है इसको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए दे रखा है भाई। एक्चुअली ना लॉजिकल भी है, क्योंकि एक डीजल का ऐसा जो भी है ये फुल नहीं कर सकता एक कंप्लीट कार के टंकी को। ओके सो हाँ, अभी इसको फुल करते हैं एंड देखते हैं, आई गेस इससे फुल हो जाना चाहिए, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फुल हो चुका है। बहुत ही बढ़िया गाइस, इसको और तो नहीं जाएगा ना? नहीं। ओके पूरा का पूरा पेट्रोल हमने निचोड़ दिया, अब इसको फेंकते हैं और बाकी देखते हैं कि आई गेस अभी भी एक रेडिएटर बाकी है, और यहाँ पे सुअर है जो कि हम ये देखने वाले, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे एक कुछ नया मिला मेरे को, कॉइन मिला। अच्छा कॉइन शायद से ना वेंडिंग मशीन जो थी वहाँ पे यूज़ होगी, आई गेस वहाँ से वेंडिंग मशीन में अगर हम कॉइन को डालेंगे तो हमें कुछ कुछ अच्छा तो मिल सकता है यार। लेट्स गो, यहाँ पे पहले ड्रॉयर पे देख ले, कुछ मत दो भाई ड्रॉयर पे, तो कुछ मत दो यार। हाँ गाइस 1 मिनट, सोडा? मजाक चल रहा है भाई, एक सोडा के लिए मैंने कॉइन लगाया इस पे, ये बस सोडा देता है भाई, सोडा से होता क्या है भाई? ये तो चूना लगा दिया यार, ऐसा लग रहा है मेरे को सच्ची में भाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं। और इस कुएं को इस्तेमाल करने के लिए ना हमें हैंडल चाहिए, विंच हैंडल, जो कि मुझे अभी तक मिला नहीं है। और ये जगह भी देख लो, ये जगह भी मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा था, लेकिन ये 1 मिनट, ये इसको खोलते कैसे? अच्छा 1 मिनट, ये गिरा हुआ है उस तरफ से, मेरे को अभी समझ में आया। और यहाँ पर एक छेद है भाई, ये जगह भी काफ़ी सही बनाया है इन लोगों ने वैसे। 1 मिनट, इस पर शॉटगन नहीं होते क्या? अगर ये लोग 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन इसका फिजिक्स देखो भाई, ऐसे में इसको खींच रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ना स्लाइड हो रहा है भाई, काफ़ी सही है। हाँ तो जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पर शॉटगन्स नहीं है, अगर शॉटगन्स दे देते ना एकदम रियलिस्टिक वाले तो बहुत मज़ा आ जाते एकदम। और यहाँ पे क्रॉसबो भी नहीं है अभी भी, ठीक है। तो हाँ धीरे धीरे आएंगे, अभी गेम को मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं आए हुए, तो और भी अपडेट्स आएंगे। और कुछ भी अगर मिस नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद एक साथ खेलेंगे, और इसके बाद ना ग्रैनी को लेकर ड्रो स्किप करेंगे, आई मीन ग्रैनी के प्रेजेंट में। ऑल राइट तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जहाँ पर हमको स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है, और इसको अनलॉक करते हैं, लेट्स गो। अब यहाँ पे नहीं, अच्छा तो प्रॉपर उसी जगह पे लगाना होगा जहाँ पे ये स्क्रूज है, बहुत ही बढ़िया। चलो ये हमने खोल लिया और इसको अभी प्रेस करके खोलना है, लेट्स गो। इसके अंदर से क्या मिला भाई साहब? ये कटिंग प्लायर है भाई, कटिंग प्लायर को भी कितना रियलिस्टिक बनाया, मतलब इन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर अलग ही फोकस करा है। सही है सही है। ओके तो कटिंग प्लायर लेके वैसे मैं जाऊँ कहाँ? 1 मिनट, अभी भाई साहब यहाँ पे एक टायर छुपा के रखा है भाई इन लोगों ने, मेरे को ये दिखाई नहीं भाई साहब। यहाँ पे मतलब हर एक कोने कोने में टायर छुपा हुआ सकता है, तुम्हें बहुत ही ध्यान से देख के खेलना होगा क्योंकि कहाँ पे क्या छूट जाए। वैसे भी गेम काफ़ी डार्क है, अंधेरे में खेलना पड़ता है हमको, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। वैसे टायर काफ़ी भारी है, तो हमारा जो बंदा है ना ये टायर लेने के बाद बहुत स्लो हो जाता है, तो अगर उस टाइम पे ग्रैनी आ गई या फिर ऐसा कुछ हो गया तो भाई लेने के देने पड़ सकते। और यहाँ पे मेरे को लगा ये टायर है जो कि नए है नहीं,
ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी आसानी से चीज़ें तो मिलने नहीं वाली ना, हमें थोड़ा सा और घुमाओ। लेकिन 1 मिनट, ये क्या है भाई, ये शॉवल लग रहा है भाई साहब। इसमें नए आइटम्स भी है, जैसे कि हमने एंटीना देखा ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे शॉवल है। तो यहाँ पे शायद से मिट्टी विट्टी खुदाई करने की कुछ तो काम रहेगी, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। चलो दूसरा टायर भी, आई मीन तीसरा टायर भी ढूंढते हैं। ऑलरेडी तो यहाँ पे घूमते घूमते मुझे ये मिला जहाँ पे ग्रैंडपा का नाम लिखा हुआ है। तो इतना तो हिंट कंफर्म है कि इसका चैप्टर 2 का भी रीमेक बहुत जल्दी होने वाला है भाई, ऐसे तगड़े ग्राफिक्स के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तीसरा टायर ढूंढते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट भाई साहब, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आते आते अचानक मुझे अंधेरे में ये दिखा, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे आया था मैं, लेकिन मेरे को ऑब्वियसली बात है ये दिखाई नहीं दिया, मेरे को अभी दिखा बस ये। और चलो इसे लेके लगाते, ऊपर चलते पहले तो अपन, और इसको टायर के पास लगाते थे, आई मीन कार में लगा देते, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। ओके, तो ये रहेगा हमारा तीसरा टायर, और उसके बाद एक आखिरी रहेगा चौथा। उसको लगाने के बाद हमें चाहिए बस रेडिएटर, और शायद से हम यहाँ पे स्केप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि बंदा कैसे स्केप करता है। लेट्स गो, अभी आखिरी टायर ढूंढते हैं। ओके भाई साहब, टायर तो ढूंढते रहेगा, लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे अंधेरे में मुझे मिल चुका है रेडिएटर। भाई मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि बहुत ज़्यादा सावधानी से देख के खेलना पड़ेगा गेम को, क्योंकि इस अंधेरे में कहाँ पे क्या चीज़ छुपा हुआ है तुमको कुछ मालूम नहीं। हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को मतलब तुमको बहुत ज़्यादा डिटेल में, हर एक फोकस में खेलना पड़ेगा, ठीक है, वरना तुम गेम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ऊपर से इस पे तो ग्रैनी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, आई मीन बहुत ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी ढूंढना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है पहली बार के लिए। हाँ, अगली बार अगर अपन आएंगे तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल खेलेंगे। तो रेडिएटर भी काफ़ी भारी है, पहले मतलब पहले मैंने कभी रेडिएटर देखा नहीं, मेरे को पता भी नहीं कि ये चीज़ है क्या, और बस इतना मालूम चला मेरे को गेम के खातिर कि ये सामने लगेगा गाड़ी के। और इसको यहाँ पे लगाते हैं, प्रेस करके लग जा बहुत जल्दी। बहुत सही, बहुत सही। ओके भाई साहब, रेडिएटर लग गया एकदम। अच्छा, रेडिएटर ऐसे लगता है क्या, वैसे इसका काम क्या है कुछ है? मेरे को पता नहीं। ओके, तो और एक व्हील चाहिए, तो उसको भी लगाते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, कुत्ते की तरह मैं 10 आई मीन आधे घंटे से घूम रहा हूँ। ओ भाई साहब, इस फोटो के साथ क्या है भाई, मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे आधे घंटे बाद आके मेरे को ये मिला, सच बता रहा हूँ, मैं कुत्तों की तरह ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, और मेरे को ये मिला ऊपर। सबसे पहले मैं आया था ऊपर और मेरे को ये दिखा ही नहीं। ओके, ये आखिरी टायर है, और हमने सब कुछ कर लिया है, रेडिएटर लगा लिया, पेट्रोल डाल लिया, और ये टायर्स भी लगा लिए, बैटरी भी लगा लिया। चलो अब करते स्केप, चारों के चारों लग चुके हैं ना अभी। 1 मिनट, गाड़ी में घुसने क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, शायद से ये रियलिस्टिक है ना, तो हम कहीं से भी गाड़ी में नहीं घुस सकते, ठीक है, तो हमें इधर से ही घुसना होगा। वैसे एक बार लास्ट कार को देख लेते हैं, और कतई मस्त कार है, वैसे भी इसको लेकर ही भागने वाले हम। लेट्स गो भाई साहब, इसको इसको मैं चोर बाजार में बेचने वाला हूँ। ओके, तो अंदर चलते हैं और फिर कार को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ, और भाई साहब फाइनली हम ग्रैनी के घर से एस्केप कर सकते हैं। चलो भाई भाग ले, भाई भाग ले, और 1 2 3 लेट्स गो। ओ, कतई हैवी ड्राइविंग करके हमारा बंदा निकल चुका है, स्केप्ड हो चुका है, और करीब इतने टाइम में से हमने कंप्लीट कर लिया ग्रैनी चैप्टर 1 रीमेक का स्केप, वो भी प्रैक्टिस में। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली बात है, ऐसे और गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर देना। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय दोस्तों।